हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे सोलर सिस्टम में प्लैनेट के बारे में। कौन सा प्लैनेट जो है वो कितने दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है वो बताने वाले हैं, और हम आपको बताएंगे कि कौन सा प्लैनेट का कैसा कलर है। तो प्लीज आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको इधर में जो है वो लिखा हुआ है प्लैनेट का नाम, और इधर जो है रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी कि सूर्य का एक चक्कर जो है वो कितना दिनों में लगाता है वो यहाँ पे है, और इधर जो है वो कलर दिया हुआ है, ये कलर। तो देखिए, मरकरी, मरकरी जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, ठीक है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो है मरकरी। मरकरी इसका हिंदी होता है बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर जो है वो कितने दिनों में लगाता है, तो सूर्य का एक चक्कर जो है वो 88 दिनों में लगाता है। कितने दिनों में लगाता है, 88 दिनों में लगाता है, और ये सबसे छोटा ग्रह है। कैसा है, तो सबसे छोटा है, और इसका कलर जो है वो है ग्रे। कैसा कलर है, ग्रे है, ठीक है। अब सेकेंड में है वेनस। वेनस यानी कि शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वो सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है, तो सूर्य का एक चक्कर जो है वो 224 या 25 दिन में लगा लेता है, ठीक है। और ये जो है इसको हम लोग नंगे आंखों से भी देख सकते हैं, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, ठीक है। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसका कलर जो है वो है ब्राइट येलो, यानी कि येलो में ब्राइट कलर जो है वो है। नंबर में है अर्थ, यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी जिसपे जीवन संभव है, जिसपे हम लोग रहते हैं। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है, तो सूर्य का एक चक्कर जो है वो 365 या 66 दिन में लगाता है। इसका कलर जो है वो है ब्लू। कैसा कलर है, तो कलर है ब्लू। किसके कारण, तो जल जो है वो पृथ्वी पर, इसी के कारण जो है वो ब्लू है पृथ्वी का कलर। अब फोर्थ नंबर में है मार्स। मार्स का जो सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है, तो मार्स जो है वो सूर्य का एक चक्कर जो है वो 687 दिन में लगाता है। इसका कलर जो है वो है रेड। कैसा है कलर है, तो रेड है, ठीक है। अब है फिफ्थ नंबर में जुपिटर। जुपिटर जो सबसे बड़ा ग्रह है, आकार या वजन में अगर बात करें तो ये ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है, ठीक है। ये कितने दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, तो ये लगाता है 11.9 वर्ष, यानी कि 12 वर्ष से थोड़ा सा कम ही समय में यह सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। इसका कलर है ऑरेंज, ठीक है। इसका कलर कैसा है, ऑरेंज है। अब सिक्स नंबर में है सैटर्न। सिक्स नंबर में सैटर्न, यानी कि सूर्य से अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो सिक्स नंबर में सैटर्न ग्रह है, यानी कि शनि। तो शनि जो है वो कितने दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है, तो 29.5 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। इसका कलर जो है वो है येल्लो, ठीक है, यानी कि पीला। अब है यूरेनस। यूरेनस जो है वो सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है, तो सूर्य का एक चक्कर जो है वो 88 वर्ष में लगाता है। और इसका जो है कलर है लाइट ब्लू। कैसा है, लाइट ब्लू जो है वो सूर्य यूरेनस ग्रह का लाइट ब्लू कलर होता है। अब है नेपच्यून। नेपच्यून यानी कि वरुण। वरुण ग्रह का कलर जो है वो कैसा है, तो ब्राइट ब्लू। ब्राइट ब्लू और यानी कि चमकीला ब्लू। और ये जो है वो सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है, तो 166.8 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। अब देखिए, जो सबसे नजदीक है वो जल्दी लगा लेता है, और उसी के अनुसार जो है वो जो दिन है वो बढ़ते जाता है, ठीक है। समय जो है वो सूर्य का एक चक्कर लगाने का जो समय है वो बढ़ते जाता है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा